साथियों नमस्कार, मैं लखन मामले सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारी संस्था के द्वारा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एवं समस्त एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि RAEO ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, SADO वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, क्वालिटी कंट्रोलर आदि एग्जाम की तैयारी हमारी संस्था के द्वारा कराई जाती है। साथियों, मैं आपको एग्रीकल्चर ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि भारत देश में किस राज्य में कौन सी फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। जैसे कि हम भारत के मूल निवासी हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। मध्य प्रदेश में ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश किन फसलों के उत्पादन में अग्रणी है। जैसे हमारी ट्रिक है कि आलसी दुल्हन अफीम खाकर सोच में पड़ गई। मध्य प्रदेश कौन सी फसल के उत्पादन में अग्रणी है, तो हमें याद रखना है कि भैया आलसी दुल्हन अफीम खा करके किसमें पड़ गई, सोच में पड़ गई। तो याद रखना है हमें कि आलसी यानी कि अलसी के उत्पादन में मध्य प्रदेश में रीवा जिला, याद रखना है ये भी, रीवा जिला मध्य प्रदेश में अग्रणी है ना। आलसी दुल्हन से याद रखना हमें दलहन या पल्सेस क्रॉप की बात करें तो अलसी के उत्पादन में दुल्हन यानी कि दलहन पल्सेस क्रॉप के उत्पादन में अफीम के उत्पादन में मंदसौर अफीम के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है, मंदसौर। तो आलसी दुल्हन क्या खा करके, अफीम खा करके, और क्या पड़ गई भैया, सोच में पड़ गई। सोच से याद रखना हमें सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है, तो ये भी याद रखना है भैया उज्जैन, कौन सा जिला, उज्जैन। और साथ में याद रखना चना के उत्पादन में भैया विदिशा। तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश किन फसल के उत्पादन में अग्रणी है। यह हमारी छोटी सी ट्रिक है, आलसी दुल्हन अफीम खा करके किसमें पड़ गई, सोच में पड़ गई। तो हमें याद रखना है कि अलसी के उत्पादन में दुल्हन यानी कि दलहन के उत्पादन में, अफीम के उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में और चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी स्थान पे है। जैसे आपने बता दिया कि विजय सर ने तो यार मध्य प्रदेश का ही उत्पादन बताया। जैसे आंध्र प्रदेश किन फसलों के उत्पादन में अग्रणी है, तो आंध्र प्रदेश किन फसलों के उत्पादन में अग्रणी है, तो ये याद रखना हमें कि भैया आंध्र प्रदेश के लाल का क्या हाल है। मध्य प्रदेश में तो आलसी दुल्हन अफीम खा करके सोच में पड़ गई, पर हमें याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के लाल का क्या हाल है, आंध्र प्रदेश के लाल का क्या हाल है, तो हमें याद रखना है मस्त हाल है। क्या हाल है, मस्त हाल है। आंध्र प्रदेश किन फसलों के उत्पादन में अग्रणी है, तो हमें याद रखना है। साथियों, ट्रिक बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी ट्रिक आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले साथियों। और नीचे हमारी स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, जिसको भी जिन छात्रों को PAT ICAR BHU साथ ही साथ एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन जैसे कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं समस्त जैसे कि बैंक IBPS AFO आदि की आप तैयारी करना चाहते हैं तो डॉक्टर लखन मामले की ट्रिक से साथ में आप जुड़िए और एग्रीकल्चर सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल में आप सदर आमंत्रित हैं। मैं आपको आंध्र प्रदेश की ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि आंध्र प्रदेश के लाल का क्या हाल है, तो कैसा हाल है भैया, मस्त हाल है। तो हमें याद रखना है मक्का, मस्त से क्या याद रखना है हमें, मक्का, मैच, सा से याद रखना है हमें सन, ता से याद रखना है हमें
तंबाकू, तंबाकू, हल से याद रखना है हमें हल्दी, और ला से याद रखना है हमें लाल मिर्च। तो हमने देखा कि साथियों आपको याद हुआ होगा, आई होप आपने हमारी ट्रिक जानी होगी कि मस्त हाल, मस्त हाल किसका, मस्त हाल आंध्र प्रदेश के लाल का कैसा हाल है, मस्त हाल है। तो किसके उत्पादन में है, मां से याद रखना हमें मक्का, सन और तंबाकू, हल्दी के उत्पादन में और लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो आंध्र प्रदेश अग्रणी है। साथियों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों जय हिंद, नमस्कार, जय जवान, जय किसान। साथियों लाइक और शेयर जरूर करें, धन्यवाद।